वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड क्लास ऑफ योर ग्रामेटिकल पोर्शन। इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डील विद डिटर्मिनर्स और डिटरमाइनर्स। सो स्पीकिंग इंग्लिश में सब कुछ परमिसिबल है, इसलिए आप उसको डिटर्मिनर्स कहें या डिटरमाइनर्स कहें, बात नहीं हुई। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिटर्मिनर्स। नाउ व्हाट आर डिटर्मिनर्स, व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज, हाउ दे आर यूज्ड, हाउ दे आर डेल्ट विद, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानें कि डिटर्मिनर्स होते क्या हैं या इनका उद्भव कैसे हुआ, ये आगे कैसे बढ़े और कैसे कैसे इसमें परिवर्तन होता गया। सो अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ओल्ड इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश। सो मॉडर्न इंग्लिश में डिटर्मिनेंट्स को अलग रखा गया है और एडजेक्टिव्स को अलग रखा गया है। तो देयर इज अ डिफरेंस, किस बेस पे इनको अलग अलग किया गया है वो हम चर्चा करेंगे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश में डिटर्मिनेंट्स वर पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स। बट द क्वेश्चन अगेन हियर इज, लेकिन प्रश्न अभी भी यही उठता है कि आखिर डिटर्मिनर है क्या और ये कैसे एडजेक्टिव से अलग है। तो आइए इसी चीज पर हम लोग चर्चा करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स विच इंट्रोड्यूस अ नाउन। डिटर्मिनर्स इंट्रोड्यूस अ नाउन, मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि डिटर्मिनर एक नाउन का परिचय देता है और हम स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं दे टेल अस अबाउट कमिंग ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस और वी कैन से दैट a determinant is followed by a noun. कैसे इस बात पे हम लोग देखें कि यह होता कैसे। Now let us take an example. Example कुछ इस तरीके से होगा कि he is a boy. So this A, which is an article and it is a part of determinants, comes before a noun. यानी कि हम A को देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इसके बाद कोई noun आने वाला है। या let us take another example. This example, this is my book. So my is also a determinant. And here comes the noun book. So my आ गया तो इसका मतलब कि इसके बाद डिटर्मिनर आने वाला है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि एक डिटर्मिनर जो है वो एक नाउन को इंट्रोड्यूस करता है या नाउन का परिचय देता है कि नाउन अब सेंटेंस में आने वाला है। अब हम आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं कि what is difference between adjective and a determiner? Determiner और adjective में क्या अंतर है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बट उससे पहले हम ये जान लें कि डिटर्मिनर्स कितने प्रकार के हैं, कितने तरह के हैं डिटर्मिनर्स, जिनके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट वी कॉल एज आर्टिकल्स, इसमें ए और एन है और द है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज indefinite determiner or article and this is called as definite article. कैसे definite indefinite है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। Now second comes demonstrator, that is this, that, those,
these, such, etc. Then comes possessive. Now, कुछ books अभी भी possessive को as an adjective दिखाती हैं, so we don't have to worry about that. Possessive में एक थोड़ा सा confusion रहता है लोगों को कि what are the possessive pronouns and what are the possessive determinants. So I guess इसको जरा समझे हम लोग detail में. My, our, your, his, her, mine, ours, yours, his, hers. Now, these are possessive determinants and these are possessive pronouns या possessive adjectives कुछ केसेस में. तो ये देखते हैं कैसे, how. तो हमने कहा कि determinants के लिए हमें noun की जरूरत पड़ती है, यानी कि एक noun को introduce करता है, noun के बारे में बताता है. So we can write it like this. As we said, this is my book. But हमें पता है कि अगर ये माई आ गया तो बुक आएगा ही आएगा, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस करता है. लेकिन इस केस में, यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के केस में या प्रोनाउंस के केस में, ऐसा हम लोग नहीं करते. वी कैन राइट इट लाइक दिस, दिस बुक इज माइन. ओके, सो ये अंदर समझ लीजिए. आप यहां पे कहीं भी बुक आ गई है, माई लास्ट में आया है, यहाँ पे माई आया है, तो उसके बाद आपको बुक लाना ही लाना है, यानी कि एक नाउन होगा ही होगा. ये एसेंशियल है और ये इम्पोर्टेंट है. उसी तरह अगर हम चर्चा करें, दिस इज आवर, दिस इज आवर, आवर के बाद हम नहीं छोड़ सकते हैं ब्लैंक, हमें कुछ लिखना पड़ेगा, कंट्री यानी कि नाउन लेना पड़ेगा. लेकिन अगर दूसरा केस में, दिस कंट्री इज आवर्स, यहां पर हमारा पर्पज सॉल्व हो जाता है. यहां हमें कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर यहां आवर आ गया है तो हमें एक नाउन देना ही देना पड़ेगा. एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द दीज टू. ओके, नाउ सो हमने चर्चा की पॉजिटिव्स की, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे. ओके, सो आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजिटिव, एंड देन कम्स द क्वांटिफायर्स. नाउ आइए क्वांटिफायर्स को हम ऊपर लेके चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में क्वांटिफायर्स हैं क्या. सो यहां पे हम लोग उसकी चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको नोट्स लिखने में आसानी रहे और एक ही जगह रहे. सो इफ वी टॉक अबाउट क्वांटिफायर्स, तो जैसे कि ये खुद ही नाम खुद ही बताता है, क्वांटिटी. सो नाउ क्वांटिटी कैन बी टू वेज, इट कैन बी अ काउंटेबल क्वांटिटी विच कैन बी काउंटेड ऑन द फिंगर्स इन द नंबर्स, एंड अनदर कैन बी अनकाउंटेबल क्वांटिटी. नाउ जब हम काउंटेबल क्वांटिटी की बात करेंगे, इसके लिए अलग डिटरमाइनर्स है, और जब हम अनकाउंटेबल क्वांटिटी की बात करेंगे तो इसके लिए अलग डिटरमाइनर्स है. जैसे अगर हम काउंटेबल क्वांटिटी की बात करें तो फ्यू, मैनी. सो ये दो जो है ये बेसिक है, यहां से स्टार्ट होता है. उसके बाद हम लोग ले सकते हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एक्सेट्रा. लेकिन अगर हम जब अनकाउंटेबल क्वांटिटीज की बात करते हैं तो वहां पर हम कहेंगे मच, मोर, सम, लिटिल, एक्सेट्रा. कुछ ऐसे भी क्वांटिफायर्स हैं जो काउंटेबल्स में भी आते हैं और अनकाउंटेबल में भी आते हैं, जैसे मच, सम, और ऐसे बहुत सारे
क्वांटिफायर्स हैं जो दोनों की प्रॉपर्टीज को एक साथ लेके चलते हैं, डील करते हैं। और इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट कम्स द न्यूमरल्स, और न्यूमरल्स में भी दो पार्ट के हैं, ऑर्डिनल्स एंड कार्डिनल्स, उसकी चर्चा हम करेंगे। न्यूमरल्स, न्यूमरल्स में हम बात करते हैं जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, वंस, ट्वाइस, एक्सेट्रा। सो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन हुआ कि डिटरमाइनर्स को हम लोग कैसे अलग अलग कर सकते हैं या कैसे उनको पहचान सकते हैं कि वो क्या है, कैसे वो किस किस कैटेगरी में कौन कौन से डिटरमिनेंट्स आते हैं। नाउ अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चर्चा है, जो कि हमने शुरुआती दौर में ही शुरू की थी, वो चर्चा ये थी कि कैसे हम लोग एडजेक्टिव्स को और डिटरमिनेंट्स को अलग अलग रखें। सो व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एन एडजेक्टिव एंड अ डिटरमिनेंट, जिसके बेसिस पे ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में दोनों को अलग अलग किया गया है। सो नाउ होप ये नोट्स आपने ले लिए होंगे। सो आई विल गिव यू वन मोर मिनट टू टेक दीज नोट्स, एंड व्हेन यू आर गोइंग थ्रू यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द वीडियो एंड यू कैन कीप इट विद योरसेल्फ, एंड दीज नोट्स शुड बी इन योर कॉपी। सो नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन एडजेक्टिव एंड a determiner. So let us see what are those basic differences. So हम लोग एक कंपेरेटिव स्टडी करते हैं। कंपेरेटिव स्टडी हमेशा हमारे लिए आसान होती है चीजों को डील करने में, चीजों को समझने में और याद रखने में। सो एक तरफ हम लोग लेते हैं डिटर्मिनर्स, एक तरफ लेते हैं एडजेक्टिव्स। पहला डिफरेंस, डिटरमाइनर्स और डिटरमिनेंट्स इंट्रोड्यूसेस द नाउन, इन अ सेंटेंस, व्हाइल एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन, टेल्स द प्रॉपर्टी ऑफ द नाउन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। यानी कि सेंटेंस में जैसे ही डिटर्मिनर आएगा आपको पता लग जाएगा कि नाउन आने वाला है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन के पहले ही लगेगा, नाउन के बाद ही लग सकता है। कैसे, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। दिस बॉय इज गुड, तो यहां पे एडजेक्टिव कहां आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, बॉय पे पहले नहीं आ रहा, बट फिर भी वो बॉय की खूबी बता रहा है। लेकिन यहां ही इज अ गुड बॉय, सो ए इससे पहले आ रहा है, फर्स्ट डिफरेंस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंड डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस क्या, सो जनरली हम लोगों ने ये देखा है कि एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे डिटरमिनेंट्स की डिग्री होगी। अब डिग्री की बात करते हैं, जैसे कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसे कि एडजेक्टिव की बात करें एग्जांपल के तौर पे, सो एडजेक्टिव्स डू नॉट हैव, सॉरी, डू हैव डिग्रीज लाइक वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, बट डिटर्मिनेंट्स जनरली डू नॉट हैव डिग्रीज। सो डिटर्मिनेंट्स के केस में ऐसा नहीं होता है। सो दूसरा डिफरेंस। नाउ तीसरी चीज ये समझने की कोशिश कीजिए, ए और एन ये क्या है, दीज आर कॉन्ट्रैक्टर, और इसको कह सकते हैं हम लोग वीकर
रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर वन. वन का जो है फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. ओके एक चीज और गौर करिए, कभी भी हम लोग एडजेक्टिव्स को सॉरी डिटर्मिनेंट्स को दो टाइप के डिटर्मिनेंट्स को एक साथ नहीं लाते. जैसे कि ही हैज अ वन पेन, लिख सकते हैं नहीं, बिकॉज वन एंड एट इज द सेम थिंग, इसको हम लोग लिख नहीं सकते हैं. लेकिन एडजेक्टिव के केस में हम लोग ऐसा कर सकते हैं. जैसे शी हैज लॉन्ग ब्लैक हेयर्स, गौर करिए लॉन्ग ब्लैक दोनों एडजेक्टिव है, लेकिन यहां ये नहीं चलेगा, ये हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. सो ये एक और डिफरेंस हुआ एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स के बीच. एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एडजेक्टिव्स के पहले हमेशा डिटर्मिनर आएगा. जैसे कि ही इज अ गुड बॉय, अगर ये एक एग्जांपल है तो गुड जो है वो एडजेक्टिव है और डिटर्मिनर जो है यानी कि इस केस में ए जो है जो आर्टिकल है वो डिटर्मिनर का काम कर रहा है और वो हमेशा क्या करेगा एडजेक्टिव को प्रिसीड करेगा या उसके पहले आएगा. सो ये कुछ चीजें हुई. सो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि आर्टिकल्स जो है वो सबसे पहले आते हैं, तो अब हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल्स की. और उससे उस पर चर्चा करने से पहले मैं आज की क्लास यहीं समाप्त करना चाहूंगा और मैं कुछ एक्सरसाइजेस आपको दूंगा. इसके अलावा जितना भी आपको यहाँ डिस्क्राइब किया गया है वो एज अ नोट आप अपनी बुक में सॉरी अपनी नोटबुक में आप उसको बड़ी क्लियरली नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिख लेंगे. थैंक यू वेरी मच.